सामाजिक संस्था, आप बोलिएगा कौन सी संस्था, ठीक है, शुरू करें। सामाजिक संस्था द्वारा इन दिनों देख रहे हैं जहां देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं बलिया के नौजवान एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, दिन रात मेहनत करके फ्लाई ओवर ब्रिज पे आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो रेलिंग है जो विगत कई सालों से उसका रंग रोपण नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे तिरंगा का रूप दिया जा रहा है। इस अभियान में करीब 2 दर्जन से अधिक नौजवान यहाँ जुड़े हैं और दिन रात मेहनत करके आप देख सकते हैं कि जो ओवर ब्रिज का जो आपका फ्लाई ओवर है उसको किस तरीके से तिरंगा का रूप दे रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कलर बना के तिरंगा बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि काफ़ी लंबा है, समय लगेगा, लेकिन इनका दावा है कि हम 15 अगस्त के पहले इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आगे भी जा सकता है, लेकिन इनका पूरा प्रयास रहेगा कि स्वतंत्रता दिवस के समय में ही इस काम को पूरा कर लिया जाए। हम बधाई देना चाहते हैं आप लोगों को, जिन लोगों ने एक अच्छी सोच पैदा की अपने अंदर, उन्हें लगा कि बलिया में चूँकि वीरों की धरती है और इसलिए बागी बलिया में बेहतर काम करने का प्रयास इन्होंने किया है। और ये चीज़ें जो आज सामाजिक संगठन बहुत से बलिया में है, लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी, लेकिन आपकी नज़र इस पर पड़ी। आइए बात करते हैं। सर, पूरा नाम क्या लेते हैं आप? मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं जीवन प्रदाता फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ। तो क्या ये कहाँ से मन में आया कि ये होना चाहिए? आज़ादी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारी संस्था ने ये प्रयास किया कि हम हर घर तिरंगा अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में दशकों से हमारे एकमात्र शहर के ऐतिहासिक ओवरब्रिज, जिसके दोनों साइड की रेलिंगों पर एक दशकों से पेंट का कार्य नहीं हुआ था, हमने सोचा उसे एक नया रूप दिया जाए और एक तिरंगे के तीनों रंगों के आधार पर उसे पेंट किया जाए और एक सुंदरीकरण का कार्य किया जाए। इसमें तो काफ़ी पैसे लगे हैं, कहाँ से आएंगे फिर? जी, ये जो भी पैसे और लग रहे हैं ये सब हमारे बलिया की जनमानस से हम लोग सहयोग के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और उसी चंदे के मार्फत ये कार्य किया जा रहा है। कितने लोग लगे हैं आप? इस कार्य में हमारी संस्था और उनके मित्रों के द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक लोग लगे हैं, जो विगत 5 बजे शाम से कार्य शुरू हो रहा है और रात के 1:30-2 बजे तक ये कार्य चल रहा है। ऐसा काफ़ी खर्च होगा, कितना एस्टिमेट होगा ये? अभी तो एस्टिमेट नहीं बना है, बट 250 लीटर पेट्रोल, सॉरी 250 लीटर पेंट लग रहे हैं और अभी तक बहुत पेंट की जरूरत है, हमें बहुत ही कम मात्रा में पेंट हमें मिल पाया है। बलिया के आम जनमानस से हम अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें इस कार्य के लिए। वैसे अगर मजदूरी देखा जाए, पेंट के देखा जाए, जो कोई और करता तो कितना खर्चा आता है? कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपये तक तो आ ही जाता, लेकिन अभी मजदूरी देखा जाए तो मजदूरी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मजदूरी ज़्यादा आ सकता है, तो एक अनुमानित बजट 5 लाख रुपये के लमसम तो पहुँच ही जाएगा। अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए नौजवानों ने जो संकल्प लिया, जो हिम्मत बांधा है, जैसा इन्होंने बताया कि अगर कोई और करता तो 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होता मजदूरी या पेंट के लिए, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए सरकार का इन्होंने बचाया और बेहतर तरीके से इसको सजाने का काम इन्होंने शुरू किया है। सबकी नज़र आज देखा जा रहा है, नगरवासियों की नज़र आज ओवर ब्रिज पर टिकी हुई है कि आखिर ये कौन सी संस्था है, ये कौन लोग हैं जो तिरंगा पूरी दोनों रेलिंग की तरफ बना रहे हैं। आप जैसा आप इन्होंने बताया कि ये मेरे मन में था कि लोगों के सहयोग से ये काम आगे बढ़ रहा है, और भी कुछ कमी है, लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों को, ऐसी संस्था को, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है ताकि अपना बलिया बेहतर और सुंदर लगे और आकर्षण का केंद्र बने, यूपी में नहीं पूरे देश में बलिया की पहचान बने। वैसे है भी, लेकिन ख़ासतौर पर क्रांति उत्सव पर, अमृत महोत्सव पर बेहतर नज़र आए। आइए दूसरे साथी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता और मैं जीवन प्रदाता फाउंडेशन का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। तो क्या ये कब से शुरू किया, कब तक हो जाएगा? देखिए, ये तो हम लोगों ने विगत 1 दिन पहले स्टार्ट किया इसे, और लगभग 11 तारीख को हम लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया, करीब शाम 5 बजे से, और ये रात 2 बजे तक ये चलता है, और यह जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक हमारी संस्था और पूरे बलियावासी के युवाओं द्वारा यह कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सामाजिक संस्था को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, बेहतर सोच है। नौजवान, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बेकार पड़े हैं, लेकिन आज भी ऐसे नौजवान हैं जो देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, बलिया के विकास में एक बेहतर रुचि ले रहे हैं। ऐसी सोच हर नौजवानों के अंदर आए, अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए
बेहतर करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए ताकि हमारा बलिया पूरे विश्व में जाना जाए। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे।